नरेंद्र सिंह जसरोटिया, भारतीय जनता पार्टी का स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर। मैं जहां कठुआ मेन बाजार के अंदर मेरी क्लिनिक है, तो हम बाजार में बैठे हुए देखते हैं कि आम लोग जो हैं आज भी पॉलिथीन का इस्तेमाल हो रहा है। धड़ल्ले से नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ फर्क पड़ा है। कुछ बहुत से दुकानदारों ने जो कंट्रोल कर लिया है, लेकिन जैसे सब्जी वाले जहाँ और भी कुछ ऐसे हैं जहाँ धड़ल्ले से भी चल रहा है, ये पॉलिथीन चल रहा है। केंद्र सरकार ने बैन कर दिया है, लेकिन हमारे प्रदेश सरकार की जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है, इसका भी एक दायित्व बनता है, ना कि सिर्फ बैठकें करें। बैठकों से पब्लिक अवेयर नहीं होगी। अपने जो ऑफिसर्स हैं, कोई जैसे कि मजिस्ट्रेट होते हैं या कुछ म्यूनसिपल काउंसिल के हमारे जो अध्यक्ष हमारे हैं या फिर इसका जो CEO हैं म्यूनसिपल काउंसिल के, इनकी भी कोई ड्यूटी लगाई जाए। ये भी मेन बाज़ार के अंदर और शहरों के में जैसे लखनपुर के अंदर भी है या काली बड़ी या नाके वगैरह, यहाँ पे चेक किया जाए कौन लोग लेके जा रहे हैं, कौन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लास्टिक जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है, ह्यूमन के लिए है, लेकिन जो मवेशियों के लिए भी है। मवेशी जब भी कोई इसको हम कूड़ा करकट डाल के फेंक देते हैं, सब्जी के छिलके डाल के फेंक देते हैं, वो गाय या भैंस या कोई फैलो खा लेते हैं, कोई बैल वगैरह खा लेते हैं, तो उनके पेट में एक गांठ से बन जाती है, निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इसका बहुत ही नुकसानदेह है। ये कैंसर भी इससे क्रिएट होता है। मैं जहाँ तक कहता हूँ, जो हम डिस्पोजल गिलास यूज करते हैं चाय के लिए प्लास्टिक के, उसको भी उसका भी बंद कर देना चाहिए। और जो कागज़ के आते हैं गत्ते के, इसके अंदर भी एक पॉलिथीन का कोटेड होता है जो कैंसर को न्योता देता है। तो उसके लिए होना चाहिए, हमें कहते हैं कि शीशे का गिलास, स्टील का गिलास इस्तेमाल किया जाए चाय के लिए भी। तो जो डिस्पोजल गिलास है, इसको टोटली ही बंद कर दिया, डिस्पोजल पेपर को। तो इसलिए मैं प्रशासन से पुनर्निवेदन करता हूँ कि आप अवेयर करें पब्लिक को। हम भी अवेयर कर रहे हैं, आप भी अवेयर करें। जितना भी पॉलिथीन का इस्तेमाल हो तो कम हो उतना अच्छा है। और लोगों को अवेयर करें, घर से थैला लेके आए, सामान लेना है बैग लेके थैला लेके आए, तो उसमें हमारी भी भलाई है, देश की भलाई है, और बीमारियों से भी हमें निजात मिलेगी। के मसले में लोगों को काफ़ी टाइम अवेयर कर रहे हैं, इवन कि हमारा ये लाउड स्पीकर भी बोलता रहता है, लोगों को अवेयर करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। जो इसमें ये है कि आज की डेट में 75 माइक्रॉन के ऊपर से अलाउ है अभी प्लास्टिक बैग जो यूज़ करना है, उसके नीचे वाला टोटली बंद है, और ये भी थोड़ी देर के बाद ये भी बंद हो जाएगा। उसके बाद ये जो हमारे ये डिस्पोजल आइटम्स जो बारात वगैरह या बड़े फंक्शंस में यूज़ होते हैं, इसमें जैसे कि ये स्पूनस, फॉक्स, प्लेट्स, ये ग्लासेस, ये जो थर्मोकोल्स के बने हैं या ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक के जो बड़े होते हैं, ये टोटली बैन्ड है। इसके लिए मैं पब्लिक को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इस चीज़ों को खुद ही अपने लेवल पे ही इसको बंद करने की पूरी ट्राई कर दीजिए। अदरवाइज़ हमारी टीम भी अब चेकिंग करने के लिए निकल जाएगी। मैं आप लोगों के माध्यम से ये पूरे कठुआ वासियों को एक अपील करता हूँ कि आप इस चीज़ के लिए
टोटली बैन कर दो। इसमें ये स्ट्रॉ पाइप्स होती हैं जो ये भी सिंगल यूज वाले, ये इवन की ये बर्ड्स होते हैं ना जो कानों को साफ करने के लिए, ये भी बर्ड्स अगर प्लास्टिक के तो ये भी इलीगल है, इसके ऊपर भी बैन है। इसलिए मैं ये चीज़ें सारे की सारी आप बंद कर दीजिए अपने लेवल पे, अदरवाइज इस पर हैवी पेनल्टी लगने के चांसेस भी हैं और लोग इस चीज़ को अगर खुद ही बंद कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा और लोगों का भी भला होगा, आप लोगों का भी भला होगा। इवन कि ये हमारे जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं इसमें हम लोग ही बांध के गंद कूड़ा फेंक देते हैं बाहर, जिससे हमारी पूरी ड्रेनेज ब्लॉकेज हो जाती हैं, इवन हमारे जानवर जो है वो ये खा लेते हैं और उनके बेचारों की डेथ हो जाती है, जो कि एक हमारे लिए भी एक दुखदायक हो जाता है। इसलिए मैं आप फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट आपके माध्यम से करता हूँ कि प्लीज़ इन चीज़ों को बंद कर दीजिए, हमें मजबूर मत कीजिए कि हम कोई पेनल्टीज लगाएं और हमें कंपलसरी कोई आपको इसके लिए तंग करना पड़े।